28 सितंबर 2022 सोनी ने अपना एक नया कैमरा लॉन्च किया था और इस कैमरे को लॉन्च होते ही इस पे लाखों लोगों का दिल ला गया और मैं भी उनमें से ही एक था। कैमरे का रिव्यू देखने दिखाने वाला कार्यक्रम शुरू हो गया। अब ये देखा देखी वाला प्यार कितना लंबा खींचने वाला था इसका कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि ये कैमरा पूरे दुनिया में तो लॉन्च हो चुका था लेकिन इंडिया में नहीं। फिर मुझको सता तो फिर मुझको अब डेली का सिर्फ एक ही काम रह गया था, स्क्रीन के सामने बैठ के कैमरे को निहारना और दोस्तों में भौकाल मारना, जब भी लूंगा यही कैमरा लूंगा। अब इससे पहले कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में टकरार आ जाए, सोनी ने ये कैमरा 15 फरवरी को इंडिया में भी रिलीज कर दिया और कुछ ही दिनों में अमेजोन पे बाय नाउ का बटन दिखने लगा। अब वो सारे मोमेंट दिमाग में चलने लगे जिनको कैप्चर करना है, मानो बस आंख बंद करने की देरी हो। अब बस इंतजार ही तो नहीं हो रहा था तो मैंने भी माउस घुमाया और बाय नाउ पे क्लिक कर दिया। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550 कंधे पे टांगे राय। सॉरी 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 सॉरी। वीडियो के फ्लो में भूल गया था कि कैमरा खरीदने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है पैसा, और मेरे पास पैसा ही नहीं था। अब क्योंकि पहले नजर में ही इस कैमरे से प्यार हो गया था तो इतना आसानी से तो नहीं जाने दे सकता था, तो चिल्लर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जल्दी पता चला कि इतने से काम नहीं चलेगा, घर वालों से भीख भी मांगना पड़ेगा। अब अपने तरफ से पूरा हाथ पैर मारने के बाद भी जब पूरे पैसे नहीं हुए तो मुझे एक इमोशनल कदम उठाना पड़ा। पहले नजर में हुए प्यार को पाने के लिए बचपन के प्यार को त्यागना पड़ा, यानी कि मैंने अपना कैनन M50 बेच दिया। दोस्तों कैमरा बेच के वापस आ रहा हूँ, अजीब सी फीलिंग आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं, बस साफ़ हिसाब लगा लो। जैसे तैसे ऐसे वैसे करके पैसा इकट्ठा करके एक दोस्त को लेके चल दिया था। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। रेंज का बहुत हो गया 5 रुपये, मतलब कार्ड का जो डिफरेंस था 1200 रुपये, और कार्ड का मेरी कार्ड है और नींद से अब शॉप पे भी सभी लोग समझ गए थे कि ये कैमरा कैसे खरीद रहा है। थोड़ा सा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, थोड़ा सा कैश, थोड़ा गूगल पे से, मतलब जितने भी पेमेंट के ऑप्शन होते हैं ना मैंने सब यूज किया और फाइनली अपने हाथ में बचपन के प्यार को त्यागने के बाद कैमरा आ गया था। अब जिसका सालों महीने और घंटों से इंतजार था उसकी बात। वो दिखाई देना पड़ता है भाई, पहले सब्सक्राइब करो चैनल को उसके बाद और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। लेकिन आपको तो पता ही है मेरे कहानियों में ट्विस्ट होता है। कैमरे का बॉडी तो मेरे पास आ गया था लेकिन जो लेंस चाहिए था वो नहीं आया था। अब कैमरे को घर पे लाने के बाद इतनी चुल मच रही थी कि बिना लेंस के ही मेनू में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। आपको मैं बता नहीं सकता कि लेंस में इंतजार किए हुए वो 3 दिन कैसे गुजरे, बट पॉइंट ये है कि गुजर ही गए हैं। मतलब मेरे अंदर पेशेंस की तो कमी है और कमी से ज्यादा है कमी तो सब्सक्राइबर की भी है। तो अगर आप भी चैनल पे नए हो तो मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे। अब जब मेरे से रहा नहीं गया तो अंकित के साथ अंकित का ही लेंस लेके थोड़ा सा हम शूट करने के लिए बाहर निकले, तभी मेरे को फोन आता है कि भाई साहब आपका लेंस है शॉप पे आ चुका है, आके लेके जाओ। अब उसके
उसके बाद जो खुशी की लहर थी ना वो एकदम आसमान छू रहा था। अब जाके मेरा कैमरा लेंस दोनों रेडी हो चुका था शूट के लिए, और इस कैमरे से पहला वीडियो जो मैंने शूट किया था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और पहले वीडियो में ही मुझे पता लग गया कि अभी बहुत कुछ सीखना है। और पहले वीडियो में और इस वीडियो में कितने का डिफरेंस दिख रहा है ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर लग रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई तूने टाइम बर्बाद किया है, कुछ नहीं सीखा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कमेंट करने की लोड नहीं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चेक कर।